कितनी कृपा है, जरा ध्यान दीजिएगा। ये माँ जालपा जो विराजमान हुई है ना, कभी इनका पूरा इतिहास, कभी इनका पूरा चरित्र आपके जीवन में अगर उतारा हो आपने, तो आपके स्मरण में होगा। कोल भीलों का पूरा क्षेत्र है, पूरा क्षेत्र कोल भीलों का रहा। और ये क्षेत्र जो था राजगढ़ का, ये पूरा क्षेत्र कोल भीलों से भरा हुआ, और जिसके अंतर्गत जब जलवृष्टि होती थी तो ऐसी जलवृष्टि होती थी कि चारों तरफ पानी भर जाता था, चारों तरफ। भीलों का राजा देवी का बड़ा उपासक था। एक बार उसके सामने जो जलवृष्टि हुई, और जलवृष्टि होने पर इतना पानी कि भूमि के कटाव बन गए, जमीनों के कटाव बन गए, और पानी बहकर निकला तो लोगों के मकान घर सब लेकर निकल गया। सारे भील रोते हुए अपने बच्चों को बिलखते हुए राजा के सम्मुख में ले जाकर छोड़ा। राजा ने कहा, हुआ क्या ये तो बताओ। महाराज, समझ में नहीं आता, ऐसी जलवृष्टि हुई कि कहीं से पानी का रेला बहकर आता है, भूमि फट जाती है, और वह पानी के रेले में हमारे मकान, हमारी जमीन, हमारा घर सब बहता चले जाता है। माँ महाराज, कुछ करिए। भीलों के सरदार ने कहा, मैं करूं तो करूं क्या, मैं तो कुछ नहीं कर सकता, चारों तरफ हाहाकार मच रहा है, पानी पानी हो रहा है, जमीन के कटाव बनते जा रहे हैं, कुछ भी नहीं बचा, ना मकान, ना फसल, ना जमीन, ना जायदाद, कुछ नहीं बचा। तब भीलों ने जब विनय करी, तब सरदार ने कहा, एक काम करते हैं, अपन सब मिलकर माँ देवी अष्टभुजा धात्री माँ दुर्गा को, माँ अम्बे को पुकारना प्रारंभ करते हैं। माँ को पुकारा पर माँ नहीं आई। बड़े सरल हैं दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता। दो बड़े सरल हैं, एक माता एक पिता, एक देव अधिदेव महादेव, एक मेरी माता मां पार्वती, मां अम्बे जगदम्बे, मां दुर्गा भवानी। बड़ी सरल है। देवी की आराधना करने वाले भी देवी से सब कुछ मांग लेते हैं, शिव की आराधना करने वाले भी शंकर भगवान से सब कुछ मांग लेते हैं। दोनों सरल है। कितनी, जब अपनी शुमहापुराण की कथा कर रही है, शुमहापुराण का पावन चरित्र वर्णन कर रहा है, महत्तम कर रहा है शुमहापुराण का, कि देवराज नाम का ब्राह्मण जा रहा था, चोरी करा हुआ धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गया, और शिव जी ने उस पर कृपा कर दी। तो जरा विचार करिएगा कि शंकर भगवान जो पिता हैं वो इतने दयालु, तो माँ कितनी दयालु होगी। माँ का स्वभाव तो माता एक आनंद का स्वभाव होता है। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा है कि माँ माँ होती है, माता के समान कोई दूसरा नहीं हो सकता, जिंदगी में नहीं हो सकता। वो कहे, माता के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई, माई के दुधवन जैसन कऊ मिठाई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में पर माई ना। खुद गीले में सोती है, तुझे सूखे सुलाती है, खुद भूखी रह जाती है, तुझे निवला खिलाती है। माई के आशीष जैसन कऊ आशीष ना मिलई। सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई नाम।
सब कुछ मिल जाता है दुनिया में माई नाम, सब कुछ मिल सकता है पर माँ मिलना कठिन। माँ का वात्सल्य, माँ की करुणा, माँ की दया, माँ की कृपा, ये एक आनंद है। पिता की दया, पिता की करुणा, पिता का वात्सल्य एक आनंद है। सब मिल सकता है, माता पिता की जो करुणा है, माता पिता की जो दया है, माता पिता की जो कृपा है, वो नहीं मिल सकती। सब मिल जाएगा पर ये दो नहीं। मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव स्वयं पिता है, स्वयं पिता। भगवान विष्णु भी कहते हैं ब्रह्मा जी से, पिता है मेरे शंकर, शिव मेरे पिता हैं। कौन मिले? कहा देवराज ने शिव जी की आराधना करी तो भगवान शंकर ने देवराज को साथ लिया। चोरी करने वाला ब्राह्मण, गलत काम करने वाला ब्राह्मण, गलत काम कर रहा था, मदिरा में डूबा हुआ है, व्यसन में डूबा हुआ है, गलत काम में डूबा, उसके बाद भगवान उसको साथ रहा, उसके बाद भगवान उसको निभा रहा, उसके बाद भगवान उसको संभाल कर चल रहा। अब जैसे देवराज के साथ हुआ वैसे कि वैसे ही भीलों के सरदार ने कहा चलो माता का स्मरण करते हैं, माता रानी को मनाने के लिए, माँ जगत जननी को मनाने के लिए भीलों के सरदार ने माता के लिए खूब दिन रात आराधना करी। कहते हैं कि भील कहाँ माता की आराधना करता, पर माँ की आराधना में भील लग गया। और भीलों का सरदार जब माता की आराधना में लगा, खूब आराधना करी, माँ प्रसन्न नहीं हुई, माँ प्रकट नहीं हुई। कब तक ना प्रसन्न होगी माँ, कब तक प्रसन्न नहीं होगी? और भीलों के सरदार ने फिर माँ की आराधना करना प्रारंभ करी। तब माँ ने आकर भीलों के सरदार से कहा क्या चाहता है माँ, मेरे क्षेत्र के इन भीलों का कल्याण नहीं हो रहा, इनकी भूमि चली गई, जल में समा गई, मकान टूट गए, सब परेशान, सब कष्ट में माँ कृपा कर। माँ कहती है सुन ए भीलों के सरदार, स्मरण कर, जल में बहकर आऊंगी मैं, जल को अपना वाहन बनाऊंगी मैं, उस समय पर जब तेज जलवृष्टि होगी, जल को अपना वाहन बनाकर मैं पहुंचूंगी तेरे सामने, मैं स्वयं मूर्ति के रूप में तैरती हुई पाषाण के रूप में जब दिखूंगी तब तू मुझे निकाल लेना। अब इतना कहकर माँ तो चली गई, पर माँ जब जलवृष्टि हुई और माँ जल को अपना वाहन बनाकर आई और पानी में बहती हुई माँ का स्वरूप जब दिखा, देखते ही भीलों के सरदार ने सोचा ये माँ दिख तो रही है, फल भी दिख रहे हैं, फूल पुष्प भी दिख रहे हैं और माँ सामने से आती हुई नजर भी आ रही है, पर इतने जल में मैं किसको भेजूंगा कि माता का ये स्वरूप तुम निकाल कर लाओ। तो अब सरदार ने विचार कर, अब मैं माँ से पूछना भूल गया कि तुम कैसे मुझे प्राप्त होगी, तो उसने मछुआरों को बुलाया और मछुआरों को बुलाकर कहा जाओ अपने अपने जाल बिछाओ और जाल में माता को लेकर आओ। माँ जाल में आती नहीं। भील से कहा सरदार ये माता तो जाल में आती नहीं। तब भील ने फिर माता की आराधना करी और माँ से प्रार्थना करी माँ इन मछुआरे के जाल में आप प्रवेश करिए। तब माँ मछुआरे के जाल में प्रवेश कर कर जब आई तो स्वयं भीलों के सरदार ने उनकी आराधना कर कर कहा माँ आप कृपा करो। माँ कहती है कहीं ऊंचे टेकरे पर मुझे विराजमान कर दे। तब माँ को ले जाकर ऊंचे टेकरे पर विराजमान कर दे। माँ कहती है सुन सरदार, आज के बाद तेरा क्षेत्र कभी दुखी नहीं होगा क्योंकि यहाँ मैं बैठी हूँ। तब सरदार ने कहा माँ आप दुर्गा हो, आप आदि शक्ति हो, आप देवी हो, आप लक्ष्मी हो, आप सरस्वती हो, आप काली हो, माँ मैं आपका क्या नाम रखूँ? तब सरदार के सम्मुख में माँ कहती है जो तू मुझे दिल से पुकार लेगा मैं तेरी हो जाऊंगी। बस उसने कहा माँ तू जल में से निकली है और जाल में फंसी है, जल में से निकलकर जाल में फंसी, इसलिए तेरा नाम जालपा होगा माँ। बस इतनी कृपा तू कर दे, इतनी दया कर। और माँ जाल में फंसकर जल में से निकलकर जालपा बनकर राजगढ़ की इस पावन धरा पर विराजमान हो गई।